जंगल। विधानसभा चुनाव के सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार को लेकर पूर्व पर्यटन मंत्री का वीडियो हुआ वायरल। देखिए खबरें आज भी के लिए। जनपद गाजीपुर के सेवराई से विवेक सिंह की रिपोर्ट। जी हम बात करें पूर्व पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह का एक आइडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो में एक भाजपा कार्यकर्ता को मना करने को साफ सुनाई दे रहा है और नहीं मना करने पर बिहार व अन्य जगहों पर FIR दर्ज कराने की भी धमकी दे रहे हैं। इस मामले में पीड़िता ने द्वारा गहमर थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज करवाई है। उसी को लेकर जमनिया विधायक सुनीता सिंह ने एक बयान जारी किया है। हाँ बोलिए यार, ये बताओ तुम्हारे परिवार से संबंध है और हम चाहते नहीं है कि तुमको कोई बात भी हो तो लाल बाबू से सब कुछ हम बात किए थे, ये बस कहे भी थे समझा देना यार, ये सब तुम बार बार जो आडवाणी और वाजपेयी बने हो तुम थोड़ा सा नॉर्मल ही हो जाओगे। पार्टी ने दायित्व दिया है तो पार्टी ने दायित्व दिया है तो पार्टी का काम करते हैं। पार्टी ने क्या कहा है तुमको? दायित्व दिया है, सोशल मीडिया के प्रभारी हैं विधानसभा के। हाँ तो फर्जी आईडी ओडी मत चलाओ। ठीक है, जब तुम पार्टी के हो तो फिर तो पार्टी तो फिर हाल दिखाई नहीं देगी इस चुनाव के बाद। यदि हम कुछ करेंगे तो फिर मत कहना कि हम तो पार्टी के थे इसलिए किए, भाई तो हम वो पार्टी बन जाएंगे। ठीक ना, जब तुम बहुत खाली हो, खाली तुम्हारे नहीं, सोशल मीडिया वाला ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं आते हैं लोग, तुम तो खाली गुड़सरा देख रहे हो ना, हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र और गुजरात के लोग भी आए थे बात करने के लिए। कहोगे तो मैं फोन नंबर भी दे दूंगा, कह दूंगा बात कर लेना, हमारे लिए कहाँ बदे आए थे वो भी बता देंगे वो लोग। तुम ऐसा कोई काम मत करो जिससे व्यक्तिगत दुश्मनी हो, और राजनीत करना है तो तुम आडवाणी और जोशी और मोदी और जोगी हो ही गए हो, लेकिन कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जो बचा के रखा जाता है। समझ रहे हो? हाँ समझ रहे। तुम समझ रहे हो ना कि हम कौन बोल रहे हैं? हाँ जीजा समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बच्चा आज है 25 खत्म शुरू, 25 शुरू हो गया, तो 6 दिन इधर है, 27-28 दिन उधर है, और 7 को है तो 3 दिन चुनाव पहले बंद हो जाएगा। तुम काउंटिंग का छोड़ो, 10 का तो तुम रिजल्ट आने लगेगा, अभी तो कुल क्लियर हो गया रहेगा। कुल जोड़ लो कितना दिन का मामला है, यदि सामाजिक जिंदगी का यही रिश्ता है तो इतना ही दिन है, उसके बाद भी रिश्ता है, तुमसे पारिवारिक संबंध है। अब हम तो कभी नहीं चाहेंगे तुम गोड़सरा में ऐसा काम करो जिससे हमको कभी, अभी तक तो तुम्हारे बारे में हम कुछ सोचे नहीं है, लेकिन आज के बाद यदि तुम्हारे में सुधार नहीं होगा तो हम भी तुम्हारे बारे में सोचेंगे। इसको टेप कर लेना जो टेप करना होगा, और जो कहना होगा अपने ऊपर हाई कमान को बता देना, फिर देखेंगे कौन बचाएगा तुमको। तो तुम्हारी पार्टी है ना, तो पार्टी बचाएगी। जब बिहार से इधर उधर से कई ठे FIR होगा फिर आपको पार्टी बहुत मदद करेगी, तो हम देखेंगे। इसके बाद हमारा आनी पानी दोष, ठीक ना? ठीक है सर। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के एक आईटी सेल के कार्यकर्ता को फोन पर धमकी दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पक्ष के पहाड़ होते हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। मैं चेतावनी देना चाहती हूं ऐसे नेताओं को जो धमकी से काम चलाते हैं। मेरे कार्यकर्ता को अगर कोई धमकाएगा तो जनता जो जमानत उनका जब्त की है ना, इस बार उनका जुबान भी बंद कर देगी, और FIR दर्ज हो गया है। मैं कार्यकर्ताओं से आह्वान करूंगी कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है,
मैं सब कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हूँ। जिस तरह से उन्होंने ये पीपा पुल का कार्य रोका था और उनको जवाब मिला था, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है, वो इसी की राजनीति किए हैं धमका के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे कार्यकर्ता पक्ष के पहाड़ हैं, कोई उनसे डरने वाला नहीं है। उनकी बनर घुड़की से उनको पता चल जाएगा 7 तारीख को कि उनका जमानत के साथ साथ उनका जुबान भी जनता बंद करेगी। इस प्रकार से धमकाना, क्या आपको लग रहा है कि उनको हार का भय दिख रहा है? बिल्कुल भय है उनको, एकदम बौखला गए हैं अपनी हार से, और इसी तरह से बनर घुड़की दिखा रहे हैं। उनको अब ये संभल जाना चाहिए कि अब उनकी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। जमनिया में बहुत राज किए और इसी तरह राज किए धमका के, दो भाइयों को लड़ाए, परिवार को लड़ाए, गांव-गांव को लड़ाए, अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। उनको बाहर का रास्ता दिखा चुकी है जनता, उनको समझ जाना चाहिए इस बात को। इस मामले को कहां पंजीकृत कराया गया है? गहमर थाने में पंजीकृत है मुकदमा, और उनको समझ में आ जाएगा कि धमकी का क्या जवाब मिलेगा। पार्टी कमान द्वारा जो है कार्यकर्ता को लेकर उनपे क्या कार्रवाई की जा रही है? हम लोग पर्याप्त है उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। हाई कमान और हमारी पार्टी तो बाद में निर्णय लेगी, चाहे ले रही है, लेकिन हम लोग पर्याप्त हैं। वो समझ जाएं कि हम उनके सामने खड़े हैं तो हमारी जनता, हमारी हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल भयभीत ना हो। मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगी,